एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये साइट, आज से एक साल पहले हमने बिहार मोतिहारी में सिस्टम लगाया था ऑफ ग्रिड 10 किलोवाट, 5-5 किलोवाट करके दो बार हमने इसको लगाया था, 10 किलोवाट पैलर किया था और ये है ऑफ ग्रिड। तो ये पूरा लिथियम बैटरी के साथ पूरा सिस्टम है। तो अब यहाँ पे जो है इस सिस्टम को हटा के लगाया जाएगा हाइब्रिड। जैसा कि आपको पता है ये देखिए लिथियम बैटरी है, 5-5 किलोवाट की दो बैटरी होगी और ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है। तो जैसा आपको पता है ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड और ऑन ग्रिड ये तीन टेक्नोलॉजी है जो घरों में यूज होता है, इंडस्ट्रीज एरिया, हॉस्पिटल्स में। तो सबसे ज्यादा जो इस समय यूज हो रहा है वो हाइब्रिड इन्वर्टर है, क्योंकि जब ये सिस्टम लगाया था तो उस समय ये एक फार्म हाउस है गाँव में, पहले लाइट नहीं थी उतनी, अब जो है लाइट प्रॉपर आ रही है। तो यहाँ पे जो है सोलर पैनल जो लगा है उसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है बैटरी चार्ज होने के बाद, घर में लोड भी उतना नहीं चल रहा है। तो ये चाह रहे कि हमारा जो सोलर पैनल लगा है उसकी एनर्जी भी ग्रिड को जाए और जो कुछ बिजली का बिल आता है वो भी माइनस हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ऑफ ग्रिड का इन्वर्टर है, पूरा सिस्टम है, इसको हटा के लगाया जाएगा दूसरी साइड पे और यहाँ पे एक नया सिस्टम लगेगा हाइब्रिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सबसे पहले बैटरीज को ऑफ किया, इन्वर्टर ऑफ किया, उसके बाद में सभी वायरों को हम निकाल रहे हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ से उतर के दूसरी साइड पे लगना है जहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम होता है। और ये 10 किलोवाट इन्वर्टर हो गया, 5-5 किलोवाट, तो हम इस इन्वर्टर को खोल रहे हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये सभी इन्वर्टर को खोलेंगे और यहाँ पे जो ये इन्वर्टर में जो वायरिंग किया गया है दोस्तों, वो 5-5 की स्ट्रिंग बना के दोनों को पैरेलल किया गया है। 10 पैनल लगे हुए हैं यहाँ पे, 20 पैनल हैं टोटल। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे एक DC/DB में 223.5 के आसपास वोल्टेज आ रहा है एक स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 223 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये जो इन्वर्टर है इसके अंदर एक एक MPPT यानी कि इसमें दो ही MPPT है। तो इसी तरीके से यहाँ पे वायरिंग को पहले 5-5 का सीरीज करके लाया और दोनों को पैरेलल करके एक MPPT में एक एक करके दे दिया गया है। तो यहाँ पे अब जो इन्वर्टर हम लगाएंगे उसमें 4 MPPT होंगे, यानी कि हर इन्वर्टर में 2 MPPT। तो हमने इन बैटर को, पुराने इन्वर्टर को उतार लिया है, AC/DC DC/DC बॉक्स सभी को उतार लिया है और जो DC जो सोलर पैनल की जो वायर आ रही थी उसका वोल्टेज भी चेक करके सबको हमने मार्किंग कर लिया। देखिए यहाँ पे अर्थिंग की भी वायर है, यहाँ पे हमारे जो सर्किट हैं तो टोटल हमारे 4 सर्किट हैं, यानी कि 4 स्ट्रिंग है 5-5 पैनल की, तो उनको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये देखिए AC/DC बॉक्स हो गया, ये DC/DC और ये रहा इन्वर्टर। तो हमने इन इन्वर्टर को खोल के क्लीन कर दिया है क्योंकि ये दूसरी साइड पे लगने हैं, उसका ये वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो ये आप देख सकते हो हमारे अब है ये न्यू इन्वर्टर। दोस्तों ये जो इन्वर्टर है लक्स पावर का इन्वर्टर है, 5-5 किलोवाट के, आप इसको 60 किलोवाट तक प्लस कर सकते हो और पैरेलल बहुत इजी होता है इसमें पैरेलल करना। और ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, यानी कि आप इसमें बैटरी भी लगा सकते हो, ऑफ ग्रिड में भी यूज कर सकते हो, ऑन ग्रिड में भी और हाइब्रिड में, दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इस इन्वर्टर को लगाएंगे। तो देखिए हमने इन्वर्टर को ओपन कर लिया है, हम दूसरे को भी ओपन कर लेते हैं, बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। अगर आप लोगों को इस तरीके का इन्वर्टर बैटरी खरीदना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो, वीडियो में हम लोगों का नंबर और मेल आईडी चल रहा है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ये देखिए ये दोनों इन्वर्टर हमने ओपन कर लिए हैं, इसके अंदर डोंगल निकला है, यूजर मैनुअल है, कुछ फास्टनर है, जो इसके अंदर फास्टनर होते हैं वो यूज नहीं किए जाते हैं। और अभी दोस्तों बारिश शुरू हो गई है और बारिश शुरू होने के बाद जो लाइट थी वो भी चली गई क्योंकि हमको मशीन चलानी है तो हम जनरेटर पे वर्क करेंगे। तो अब देखिए हम मार्किंग कर रहे हैं इन्वर्टर की और ये रहा कैबिनेट, क्योंकि ये जो कैबिनेट है लिथियम बैटरी का कैबिनेट है, 5 बैटरी का यानी कि 25 किलोवाट बैटरी का कैबिनेट है और इसी के हिसाब से पहले सेंटर में लगा था, अब इस कैबिनेट को लगाएंगे हम कॉर्नर पे कि हमारा जो सिस्टम है वो देखने में अच्छा लगे। तो ये देखिए हम मार्किंग कर रहे हैं और यहाँ पे जो मार्किंग कर रहे हैं टेक्नीशियन है अरविंद, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अरविंद मार्किंग करते हुए। और ये देखिए कैबिनेट काफी गंदा हो गया है और काफी टाइम से, एक साल तो हो गया दोस्तों, धूल वूल तो डस्ट तो आएगी। तो हम इसको लगाते हैं यहाँ साइड में और इसके अंदर जो वायर लगा हुआ है दोस्तों पहले से,
हाँ, उसका भी ध्यान रखना है कि एक बैटरी की वायर हमारा इन्वर्टर तक आए और एक के लिए वायर हमको बनानी पड़ेगी। तो किस तरीके से हम वायर बनाएंगे, लास्ट तक वीडियो को देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप ये देखिए, दो बैटरी है, 10 किलोवाट बैटरी हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम लगाएंगे मार्किंग। और ये जो दोस्तों इन्वर्टर है, हम इनको पन्नी से निकाल लेते हैं। और ये जो इन्वर्टर दोस्तों फॉरेन कंट्रीज में बहुत लगते हैं, और ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लक्स पावर। इसके नए मॉडल आने वाले हैं, जैसे 6 किलोवाट हो गया और 12 किलोवाट। तो इसके नया मॉडल बहुत जल्द आने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देख सकते हो यहाँ पे हम अभी लगा रहे हैं, एक इन्वर्टर हमारा लग चुका है। और यहाँ पे हम एसी डीवी डीसी डीवी देखते हैं, मार्किंग कहाँ कहाँ पे सेट रहेगा। तो ये हमारा डीसी डीवी ऊपर चला गया, एसी डीवी नीचे, और यहाँ पे हमारा ये दूसरा डीसी डीवी और ये एसी डीवी। दो एसी डीवी लग गए, दो डीसी डीवी लग गए, और उसके बाद में ये हमारा लग रहा है इन्वर्टर। तो यहाँ पे दोस्तों हम इन्वर्टर तो लगा रहे हैं, मगर जो पुराने इन्वर्टर में वायरिंग की गई थी, यहाँ पे वायरिंग का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, सोलर पैनल की वायरिंग का। तो कैसे होगा, वीडियो को एंड तक देखें। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हम 2 इंच की गिट्टी और सेल्फ स्क्रू का यूज करके इसको लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो इन्वर्टर है वो लग गए हैं, दोनों के दोनों, दो डीसी डीवी दो एसी डीवी लग गए हैं, और डस्ट ना जाए तो पन्नी से ढक के रखा गया है उसको। तो इन्वर्टर लगने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से सिस्टम दिख रहा है। तो हमारा जो इन्वर्टर लग गया, अब बारी आती है कुछ और, जैसे कि एक केबल ट्रे है। तो हम यहाँ पे जो केबल ट्रे यूज करेंगे, यह है 60 60 mm की केबल ट्रे है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे। फिनिशिंग के काम में आती है केबल ट्रे। तो आप ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम केबल ट्रे को लगा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये देखिए, आप सोचिए कि ऑफ ग्रिड लगाने के बाद कस्टमर को समझ में आया कि किस तरीके से ऑफ ग्रिड कहाँ पे यूज में आता है और हाइब्रिड कहाँ लगता है। तो यहाँ पे है अब हाइब्रिड की जरूरत, तो यहाँ पे अब हाइब्रिड में सिस्टम को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हमारी केबल ट्रे दोस्तों लग गई है, और केबल ट्रे कुछ इस तरीके से हमने लगाया। और ये देखिए, यहाँ पे भी हमने पुरानी केबल ट्रे जो उतारी थी उसको भी हमने यूज कर लिया। जो ये वायर है, ये सभी वायर को हम केबल ट्रे की मदद से लेकर आएंगे, जितनी भी वायर है आपको दिख रही है। और ये है एसपीडी, क्योंकि हमारा जो है अब सोलर की वायरिंग चेंज होगी, तो कुछ डीसी डीवी बॉक्स के अंदर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये हमारा एसपीडी हो गया 500 वोल्ट का, और ये हमारा दूसरा एसपीडी हो गया, ये भी 500 वोल्ट का है। तो अब क्या होगा कि दोस्तों, हमारा पहले एक एक एसपीडी लगा हुआ था, अब हमको करना है हर डीसी डीवी में दो दो एसपीडी। तो दो दो एसपीडी लगाएंगे, हर एक एमपीपीटी के लिए एक एक एसपीडी यूज होगा। तो देखिए, यहाँ पे दो फ्यूज लगे हुए हैं और एक एसपीडी लगा हुआ है, पैरेलल किया गया है माइनस भी और प्लस भी। तो ये सब हम हटा के इसका न्यू तरीके से वायरिंग करेंगे, कोई भी इसमें पैरेलल नहीं रहेगा, सेपरेट सेपरेट रहेगा, टू इन टू आउट का रहेगा, ना कि टू इन वन आउट का। यहाँ पे इस समय उसको हटा दिया जाएगा। तो ये माइनस का पैरेलल कुछ इस तरीके से किया था, इसको भी हम हटा देते हैं। तो ये देखिए, ये पैरेलल वाला जो सिस्टम था, पुर्जा था, उसको हमने निकाल लिया है, और ये प्लस का पैरेलल किया था उसको भी हमने हटा लिया है, और ये जो ब्रेकर है इसको भी हम निकाल देंगे, यहाँ पे एसपीडी और फ्यूज का ही रखेंगे। तो दोनों में हम सेम इसी तरीके से करेंगे। तो देखिए, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया है, और हर डीसी डीवी बॉक्स के अंदर दो एसपीडी लगा दिए, दो फ्यूज लगा दिए। तो अब हम उस एसपीडी के अंदर, यानी कि जो हमारा डीसी डीवी बॉक्स है, उसकी हम करेंगे वायरिंग। तो ये देखिए, हमारे जो सर्किट बने हुए हैं, यानी कि जो स्ट्रिंग बनी हुई है, उनकी जो दोस्तों वायर थी वो छोटी हो गई है, क्योंकि इन्वर्टर पहले पास में लगा हुआ था, उसी के हिसाब से था। तो हमको अब दोस्तों वायरों को करना पड़ेगा बड़ा। तो किस तरीके से ज्वाइंट करते हैं, आप देखिए। तो जो हमारे पुराने जो सर्किट बने हुए थे, यानी कि स्ट्रिंग बनी हुई थी, और कुछ हमारी लंबी वायर थी और कुछ छोटी वायर थी, तो हम उनको इधर साइड में करते हैं। और उसके बाद में ये देखिए, हमारे पास वायर है, यहाँ पे पहले से 6 स्क्वायर mm की वायर यूज की गई थी। तो हम पहले वायर को नाप लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हमारा ये डीसी डीवी बॉक्स के अंदर ही आएगा, फ्यूज की और फ्यूज की जगह पे लगेगा। तो हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के काट देते हैं। तो ये हमारी जो वायर है, अभी हम वायर को नाप रहे हैं। तो नाइट में हमने कुछ इतना काम किया, बाकी हमने काम को
मॉर्निंग में आके किया। तो मॉर्निंग में आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने काम किया हुआ है। तो अभी जो है हमने यहाँ पे वायर को रात में नाप लिया था मगर हमने कनेक्ट नहीं किया था, तो अब जो है हम वायर को जोड़ेंगे, वायर को करेंगे लंबा क्योंकि यहाँ पे वायर को लॉन्ग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जॉइंटर लगाने का तरीका है MC4 कनेक्टर के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा एक में मेल लगा एक में फीमेल लगा, आराम से ज्वाइंट में दोनों काम में आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए जोड़ लगा दिया है MC4 कनेक्टर की मदद से, और जो जोड़ा है उसको रखना है साथ में। ये नहीं कि एक स्ट्रिंग का माइनस ले लिया दूसरे स्ट्रिंग का प्लस ले लिया, नहीं, एक ही स्ट्रिंग का माइनस प्लस एक साथ होना चाहिए, वो एक MPPT में जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे कुछ एक स्ट्रिंग की जो वायर है उसको लॉन्ग कर लिया, ये हमारा दूसरा स्ट्रिंग है इसको भी हम लंबा कर रहे हैं वायर को MC4 कनेक्टर लगा के। ये देखिए ये यहाँ पे कनेक्टर लगा के, कोई भी हमने ज्वाइंट नहीं लगाया, सिर्फ कनेक्टर लगा के कनेक्ट कर दिया है इसको MC4 कनेक्टर की मदद से। तो हमारे ये दो जो हैं वायरें लंबी हो गई हैं, ये और ये, यहाँ पे दो वायरें और भी हम कर देते हैं। तो वायर हमारी यहाँ तक आ गई है, ये जो हमारी वायर है इसके साथ भी हम इन वायरों को भी लंबा कर देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा MC4 कनेक्टर लग के ये वायरें भी जो हमारी थी इनको भी हमने लॉन्ग कर लिया है। तो ये हम इसको यहाँ पे कनेक्टर को केबल ट्रे के अंदर डालते हैं, और ये वाला जो है ये हमारा इस DC/DV बॉक्स में आ गया। तो थोड़ी बहुत वायर को लॉन्ग रखना पड़ता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारा दोनों DC/DV बॉक्स के पास वायरिंग आ चुकी है, दो दो स्ट्रिंग आ गई हैं। देखिए चार चार वायर है, दो प्लस दो माइनस, दो प्लस दो माइनस, इस तरीके से है, और ये पूरा सारा केबल ट्रे के अंदर आ गया। और अर्थिंग की वायर जो है वो हमने छोड़ दी है सेपरेट, अभी हम उसकी भी वायरिंग करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे आप देखिए, तो ये देखिए प्लस की वायर हम लगा रहे हैं एक फ्यूज में, तो और ये हमारी है माइनस की वायर जिसको हम लगाएंगे इस कनेक्टर के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे वायरिंग का कॉन्सेप्ट हमने चेंज कर लिया है। और ऊपर की जो वायर है वो हम कैसे करेंगे वो आप देखना। तो अब हमने वायर लगाने के बाद अब हम चेक करते हैं इसका वोल्टेज। तो ये देखिए 221.6 आ रहा है। यहाँ पे जो पैनल लगे हुए हैं 440 वाट के आसपास पैनल लगे हुए हैं बाइफेसियल, तो ये आप देख सकते हो दोस्तों। और ये हमारा जो दूसरा सर्किट है उसको भी हम लगा लेते हैं, प्लस हमारा फ्यूज में जाएगा, माइनस जो है वो हमारा जाएगा कनेक्टर में। तो हमारा प्लस लग गया है दूसरे स्ट्रिंग का, तो ये देखिए इसको हम लगा रहे हैं माइनस। तो यहाँ पे बड़े ही ध्यान से काम करना है क्योंकि सप्लाई जो है दोस्तों चालू है। अगर आप नए हो तो पहले अपनी जो स्ट्रिंग है उसको तोड़कर ही यहाँ पे काम करें। ये देखिए हमारा जो दूसरा स्ट्रिंग है उसमें भी 220.2 के आसपास आ रहा है। तो वोल्टेज अभी ठीक है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक DC/DV बॉक्स में आधा काम हो चुका है, और ये हमारा दूसरा DC/DV बॉक्स है इसमें हम काम करेंगे। तो इसका भी जो प्लस है उसको हम लगा लेंगे फ्यूज में, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे काम बहुत ही ध्यान से करना है, अगर रॉन्ग होता है तो आपका इन्वर्टर भी खराब हो सकता है, अगर कोई भी प्लस माइनस उल्टा हुआ तो। तो यहाँ पे बड़े ही ध्यान से काम किया जाता है, जब भी आप सिस्टम में काम करते हो तो एक एक वायर लगाने के बाद चेक किया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम 222.8 के आसपास वोल्टेज आ रहा है सोलर पैनल का सीरीज जो हमने 5-5 का बनाया है। पहले क्या था दोस्तों 5-5 का सीरीज बन के आता था वो पैरेलल हो जाता था, मगर यहाँ पे पैरेलल नहीं किया है, 5-5 का सेपरेट सेपरेट हम एक एक MPPT में देंगे। तो ये हमारा जो है चौथा स्ट्रिंग जो लगा रहा है वो फ्यूज में हम लगा रहे हैं, और ये हमारा कनेक्टर है माइनस के लिए, तो इसको भी हमने लगा दिया है। तो इतना काम हमारा दोस्तों हो गया, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 223.5 आ रहा है क्योंकि धूप बढ़ता है समय के हिसाब से, जैसे धूप बढ़ेगा वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो हमारा इतना काम हो गया, DC/DV बॉक्स तक काम हो गया आधा। तो DC/DV बॉक्स से इन्वर्टर में किस तरीके से वायरिंग करेंगे उस चीज को बड़े ध्यान से देखिए। तो हम इन्वर्टर को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये हमारा खालसा इलेक्ट्रिकल्स का स्टिकर है, जो कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, अगर आप लोगों को कहीं पे लगवाना है तो इस नंबर पे और मेल आईडी से संपर्क कर सकते हो। तो ये देखिए हम ओपन कर लेते हैं इसको, इस प्लेट को जो इन्वर्टर में लगा हुआ है, इसका जो कवर है। तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है,
तो इसके जो छोटे छोटे पेज होते हैं वहीं पे हम लगा देते हैं कि ये गुम ना हो, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। तो ये हमारा जो दूसरा इन्वर्टर है उसका भी जो ढक्कन है उसको हम ओपन कर रहे हैं, ये देखिए। और इस ढक्कन के ऊपर लगा होता है फिल्टर, फिल्टर को क्लीन किया जाता है 2 से 3 महीने में, जब ये गंदा हो जाता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्वर्टर को हमने ओपन कर लिया है। अब हम वायर बना रहे हैं डीसीडीवी बॉक्स से, हमारा इन्वर्टर में किस तरीके से सोलर पैनल का जो करेंट है, वोल्टेज है, वो कैसे आएगा। तो ये देखिए हमारे 4 MPPT है, तो हमारी वायर बनेंगी 8, ये देखिए। तो एक डीसीडीवी बॉक्स के लिए वायर को हमने नाप लिया है, दूसरे के लिए भी हम नाप लेते हैं। तो 4 × 8 वायर बनाएंगे। अभी हमने 4 वायरें बना ली, और ये 4 वायरें इसके लिए भी हम बना लेंगे। टोटल 8 वायरें हमारी जाएंगी इसके अंदर, यानी कि 1 MPPT के लिए 2 वायरें प्लस और माइनस का। तो कुछ इस तरीके से हम वायर को नाप रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रखना होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इन्वर्टर में जो लग लगेंगे वो अलग है, इन्वर्टर के लग जो है वो पिन टाइप नहीं लगेंगे, रिंग टाइप लग लगेंगे, जो कि अच्छे तरीके से वहीं पे टाइट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमने जो दूसरा जो सिरा है उसके साथ एक वायर को और हमने कनेक्ट किया हुआ है, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। ये देखिए हमारे 4 MPPT में गिन के आपको दिखा रहा हूँ, दो दो वायरें जो है वो जाएंगी प्लस और माइनस। और यहाँ पे देखिए हर एक वायर के साथ एक वायर का टुकड़ा हमने लगाया हुआ है, ये देखिए प्लस के साथ माइनस के साथ, ये भी माइनस, ब्लू माइनस है, रेड प्लस है, ये देखिए यहाँ पे मार्किंग हमने कर दिया है। तो एक एक वायर का टुकड़ा हमने लगाया हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और जो वायर है दोस्तों वो भी 6 स्क्वायर एम्म की वायर को हमने लगाया है। तो अब होगा क्या देखिए आप। तो सबसे पहले हम आपको डीसीडीवी बॉक्स में करके दिखाते हैं वायरिंग। तो 1 MPPT के लिए ये हमारी गई वायर है, एक प्लस और एक माइनस की। तो ये हमने यहां से कुछ इस तरीके से वायरों को निकाल लिया है। और वायर निकालने के बाद सबसे पहले जो दोस्तों लगेगी एसपीडी में, ये देखिए एसपीडी में प्लस और माइनस का मार्किंग दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं प्लस की वायर। तो ये देखिए हमारा प्लस भी है माइनस भी, दोनों निशान है, तो कोई भी कहीं लगा सकते हो इस एसपीडी में। मगर इधर जो साइड में लगी है इसमें प्लस की जगह पे प्लस लगाना है, माइनस की जगह पे माइनस लगाना है, तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं प्लस की वायर कुछ इस तरीके से, ये हमारा रहा प्लस की वायर। तो एसपीडी से लगा फ्यूज में, देखिए एसपीडी को भी सोलर का करंट जाएगा, वोल्टेज जाएगा, और उसके बाद में लूपिंग करके हमने फ्यूज को दे दिया। ये देखिए प्लस हो गया, ये लूप किया, यहाँ दे दिया फ्यूज, फ्यूज बीच में लगाया ब्रेक करने के लिए, और सीधा जो वायर का जो करंट है वो जाएगा इन्वर्टर में। और वैसे ही ये माइनस का जो है हमने एसपीडी में लगाया, और ये हमारा लग गया कनेक्टर में। तो माइनस और प्लस एसपीडी को भी वोल्टेज मिल गया जो हमारा डीसी है, क्योंकि हाई वोल्टेज आने पे ये ट्रिप करेगा, हमारा इन्वर्टर सेफ रहेगा, तो उसके लिए एसपीडी लगा हुआ है। और ये जो फ्यूज लगा हुआ है दोस्तों शॉर्ट सर्किट के लिए फ्यूज ये उड़ जाएगा। तो ये देखिए हमारी 2 वायरें दोस्तों आ गई हैं प्लस और माइनस की। तो ये हमारा 1 MPPT के लिए यूज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए PVA+ लिखा हुआ है, PVB+ लिखा हुआ है, तो 2 MPPT है ना, तो हम पहले 1 MPPT में यूज कर लेते हैं यहाँ पे। और हमने प्लस की वायर पे मार्किंग किया हुआ है जो हमारा रेड है, रेड हमारा प्लस है, और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे कुछ इस तरीके से, अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। अगर आप टाइट नहीं करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, और ध्यान से काम करना है। तो ये देखिए हमारा 1 MPPT जो है वो यूज हो गया है, और ये हमारा दूसरा MPPT हम उसको यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वायरिंग है वो दोबारा से की गई है यहाँ पे, नहीं तो कस्टमर से अलग से डीसीडीवी बॉक्स मंगाते तो 10,000 रुपये का कॉस्ट आता। तो यहाँ पे जो है 10,000 का खर्चा बच गया, हमने खुद इसकी वायर को चेंज कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे वायर को चेंज करने के बाद ये हमारा दूसरा MPPT भी यूज किया जा रहा है। तो हमने दोनों MPPT का प्लस की जगह पे प्लस लगाया और माइनस की जगह पे माइनस लगाया, तो ये हमारे दोनों के दोनों MPPT जो है वो लग गए हैं। एक डीसीडीवी बॉक्स की वायरिंग हो गई है कंप्लीट, 2 MPPT यूज हो गए, अभी दो रह गए दूसरे नंबर के इन्वर्टर का यूज करना। तो सेम ऐसे ही इस इन्वर्टर के साथ करेंगे, देखिए एसपीडी में लगाया और एसपीडी से लुप करके हमने फ्यूज में ले लिया, और प्लस की जगह पे प्लस लिया और माइनस की जगह पे माइनस ले लिया, ये देखिए। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं अभी कुछ इस तरीके से, ये आपके बहुत काम का है।
अगर आप न्यू टेक्नीशियन हो, अगर आप लोगों को सिस्टम कहीं लगवाना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। तो देख सकते हो दूसरा जो डीसीडीबी बॉक्स है वहां से भी हम डबल एमपीपीटी के लिए जो वायर आनी थी वो हमारी आ गई है। और एक एमपीपीटी में आप 13 साढ़े 13 एम्पीयर के आसपास डाल सकते हो करंट, 13 एम्पीयर का करंट डाल सकते हो, इससे ऊपर नहीं डाल सकते हो। और इसमें जो पैनल लग जाता है एक इन्वर्टर में, आप 6400 वाट पैनल सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आप 10 किलो वाट लगाओगे तो 1200 1200+ वाट इसमें लगा सकते हैं। तो हमारा इन्वर्टर में वायरिंग हो गया सोलर पैनल का। और ये है एक चेंज ओवर, पहले जो चेंज ओवर लगा हुआ था वो लगा था 40 का और अब लगा रहे हम 63 का, क्योंकि पहले वाला यूज नहीं होगा। ये एक इन्वर्टर 22 एम्पियर तक लोड उठा लेता है, तो आराम से वो 40 था तो ये 44 हो रहा था, तो वो फेल था, 4 एम्पियर का लॉस हो रहा था। तो यहाँ पे जो है चेंज ओवर भी चेंज किया गया, 63 का लगाया गया। और ये देखिए एसी आउटपुट और ये जनरेटर, तो हमारा जो एसी आउटपुट का है, क्योंकि अब हम पैरेलल करेंगे ये दोनों इन्वर्टर को, हम सिंगल फेज बनाएंगे, तो एसी आउटपुट जो हो गया इसका, और एल में फेज हो गया और एन में न्यूट्रल हो गया, तो इस इन्वर्टर का, और ये हमारा जो दूसरा इन्वर्टर है इसका भी आउटपुट, ये देखिए आउटपुट, इन दोनों आउटपुट को हम करेंगे कॉमन कुछ इस तरीके से। देखिए लग लगा के हमने कॉमन कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पे ये दोनों जो आउटपुट हैं दोनों को हम एक वायर में ले रहे हैं। ये 6 स्क्वायर mm वायर का यूज यहाँ पे किया गया है और अच्छी क्वालिटी। ये आउटपुट का फेस और न्यूट्रल का न्यूट्रल, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो दोनों को हमने आउटपुट फेस जो है एक जगह पे लाके कॉमन कर दिया है। और कॉमन करने के बाद ये जो हमारा चेंज ओवर है, इस चेंज ओवर में दो लाइन लगाने का है, तो एक में हम लगा देंगे सोलर की लाइन और एक में हम लगा देंगे ग्रिड की लाइन। फ्यूचर में बाई चांस अगर सिस्टम में प्रॉब्लम आता है तो सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं हम ग्रिड के साथ, तो इसलिए ये चेंज ओवर लगाया जा रहा है। तो देखिए चेंज ओवर में हम सोलर की अभी लाइन को लगा रहे हैं दोनों इन्वर्टर का एक जगह पे लाके, यहाँ पे पैरेलल कर दिया गया है। अभी हमारा फेस लग गया, अब हम न्यूट्रल लगा रहे हैं। तो दोनों इन्वर्टर को कुछ इस तरीके से हमने पैरेलल करके यहाँ इस चेंज ओवर में दे दिया, और इस चेंज ओवर से ही घर का लोड चलेगा, सप्लाई जाएगी। तो ये देखिए कुछ हमने इस तरीके से वायरिंग कर दी है। और वायरिंग करने के बाद दोस्तों अब बारी आती है एसी इनपुट की। तो जो ये देख सकते हो एसी इनपुट है, हम इसको वायरिंग करेंगे एसीडीबी के साथ। तो यहाँ पे एसी इनपुट की वायर हमने लगा दी है, लगा रहे हैं, देख सकते हो ये। तो यहाँ पे एल और एन का ध्यान रखना है, न्यूट्रल फेस का ध्यान रखना है। तो ये एक इसमें चला जाएगा एसीडीबी बॉक्स में कुछ इस तरीके से, और ये हमारा न्यूट्रल का न्यूट्रल प्लस और फेस का फेस चला गया, और अच्छी तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारा एक इन्वर्टर का इनपुट हमने जोड़ दिया एसीडीबी के साथ, और जो दूसरा इन्वर्टर है उसका भी इनपुट हम जोड़ देंगे इसके साथ। मगर एक काम करना पड़ेगा वो आप देखना, ये देखिए यहाँ पे पहले हम इनपुट जोड़ रहे हैं एसीडीबी के साथ, और एसीडीबी के साथ हम चेंज ओवर को भी इनपुट की सप्लाई देंगे, यानी कि मेन की सप्लाई देंगे। तो अभी जो है हमारा दूसरा इन्वर्टर को इनपुट सप्लाई हम दे रहे हैं, तो हमने दे दिया है, दूसरे इन्वर्टर को भी इनपुट के साथ हमने जोड़ दिया है। तो यहां तक इतनी वायरिंग कंप्लीट हुई। तो एक इन्वर्टर को देखिए, एक हम वायर लगा रहे हैं उसके साथ हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है, तो यहां से डायरेक्ट सप्लाई चेंज ओवर में भी देंगे। जैसे चेंज ओवर में यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं एसीडीबी बॉक्स में, इनपुट दे रहे हैं यानी कि जो ग्रिड से सप्लाई आ रही है वो इस एसीडीबी बॉक्स में एक इसमें आएगी, और यहीं से लूप होके हमारा ये जो चेंज ओवर है इसमें भी दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा चेंज ओवर में भी दिया जा रहा है। तो ये हमारी जो वायर है इनपुट की वायर है, यहाँ पे एक सप्लाई हमारी ग्रिड की भी दे दी हमने यहाँ से लूप होके, ये ग्रिड की और सोलर की ऑलरेडी आउटपुट में हमने दे दी थी इन्वर्टर के आउटपुट में। तो एक एक वायर ये रही हमारी 6 स्क्वायर mm का एसीडीबी का, जो हमारा उसमें करंट देगा ये देखिए। और इस एसीडीबी बॉक्स से एक वायर हम और डाल देंगे। तो अभी जो हमने दोस्तों वायर जो लगाई हुई है वो 6 की लगाई हुई है यहाँ पे,
ये देख सकते हो। तो यहां पे हमने 6 स्क्वायर mm की वायर को लगा दिया है, और वायर लगाने के बाद इसको भी हम टाइट कर देंगे। तो दोनों एसीडीवी बॉक्स का जो काम है वो यहां तक कंप्लीट हो गया है, ये देखिए दोस्तों। और अब बारी आती है 16 स्क्वायर mm वायर का यूज करने, क्योंकि फ्यूचर में इनका 15 से 20 किलोवाट प्लस करना है, तो इसका जो आउटपुट है हम ज्यादा डालना है भी। 15 किलोवाट जाएगा तो 16 स्क्वायर mm बहुत है, एक इन्वर्टर भी लगेगा। तो यहां से इसका जो आउटपुट लोड है, यानी कि इन तीनों इन्वर्टर का आउटपुट का जो लोड है वो 16 स्क्वायर mm वायर से घर में जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं वायर को नाप रहा हूं कुछ इस तरीके से, ये हमारी वायर आ गई है और न्यूट्रल फेस हमने बना लिया है। तो वो जो वायर है ऑलरेडी जो सर्किट लटक रहे थे उनके साथ वो कनेक्ट होगा। तो देखिए ये जो ग्रीन है, ग्रीन हमारा फेस हो गया ऑलरेडी, मैंने मार्क कर दिया है, और ब्लू हमारा न्यूट्रल हो गया। तो ये जो हो गई हमारी आउटपुट वायर हो गई लोड की, जिससे हमारा इस फार्म हाउस का जो पूरा लोड चलेगा, क्योंकि ये एक फार्म हाउस है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो हमने 16 स्क्वायर mm की वायर वहां तक डाल दी है, और अब बारी आती है अर्थिंग की। तो एक इन्वर्टर में हम अर्थिंग की वायर दे रहे हैं, ये यहाँ पे एसी अर्थिंग हम सेपरेट कर देंगे। दूसरे इन्वर्टर को हमने दे दिया है, ये यहाँ पे ये देख सकते हो। और ये दो हैं हमारी एसपीडी, तो दोनों को सेपरेट सेपरेट वायर देके ज्वाइंट दिया है, और एक वायर लगा के लग लगा के पंच करके हम लेके आ गए। तो ये हमारी हो जाएगी डीसी अर्थिंग। तो यहाँ पे क्या किया, हमारी जो मेन अर्थिंग पहले जो थी उन्हीं के साथ हम लग लगा के पंच करके कर देंगे। एसी अलग कर दिया, ये हमारा हो गया एक, ये हमारी डीसी अर्थिंग हो गई, ये एसी हो गई, और एक हमारी हो गई, ये भी डीसी हो गई, एक हमारी हो गई ये जो लटक रही है वायर, ये हमारी हो जाएगी कैबिनेट के लिए। तो ये देख सकते हो इसको हमने अर्थिंग दे दिया एसीडीबी, ये भी अर्थिंग दे दिया एसीडीबी को, अर्थिंग दे दिया इस एसपीडी को, ऊपर भी दोनों एसपीडी लगा हुआ है, इनको भी हमने अर्थिंग दे दिया है, सेपरेट सेपरेट दिया है, हमने लूपिंग नहीं मारी है, पैरलर करके अर्थिंग दिया है, सबको सेपरेट दिया है। डीसी कॉमन दिया है, एसी कॉमन दिया है, और कैबिनेट के लिए अलग दिया, देखिए सबको हमने दे दिया है अर्थिंग। और यहाँ पे जोड़ नहीं लगाया, लग लगा के पंच करके टेप लगा रखा है, ये सब केबल ट्रे में आ जाएगा, ये बिल्कुल नहीं दिखा। ये देखिए ये भी इन्वर्टर का है। तो हर जगह जहां जहां पे अर्थिंग का पार्ट है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे, ये देख सकते हो। और ये जो वायर है ये कैबिनेट के साथ हम जोड़ेंगे, जो कि हमारी बैटरी को अर्थ करना है, कैबिनेट को अर्थ करना है, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो एक वायर हमने वहां पे छोड़ दी है। तो इतना हमारा काम हो गया दोस्तों। इतना काम होने के बाद ये देखिए 16 स्क्वायर mm की दो जो वायर लटक रही है, ये हमारी लोड की वायर हो गई, जो कि इन्वर्टर का जो आउटपुट लोड है उससे पूरा फार्म हाउस चलेगा। तो अब जो है हमारा कैबिनेट है उसको हम लगाते हैं कॉर्नर पे, पहले लगा था सेंटर पे, अब लगाएंगे कॉर्नर पे। और सिस्टम थोड़ा हाइट पे लगा हुआ दोस्तों इस कैबिनेट की वजह से, मगर अच्छा लगा है हाइट पे। तो देखिए यहाँ पे हमने कैबिनेट को लगा दिया है, और इसके जो पहिए होते हैं उनकी मदद से हमने इसको आगे पीछे किया है। तो इसके अंदर देख सकते हो एक इन्वर्टर तक जो हमारी वायर है वो लग जाएगी, मगर एक इन्वर्टर में हमारी बैटरीज की वायर नहीं लगेगी, तो उसको हमको वायर बनाना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हम कैबिनेट का ढक्कन खोल लेते हैं, और इसमें ऑलरेडी फैन वैन लगा है इसकी बैटरीज को ठंडा करने के लिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और बैटरी पैरेलल हो रखी है, यहाँ पे बस वायर लगा हुआ है कैबिनेट के अंदर, इसमें भी डस्ट बहुत है, इसको भी क्लीन कर लिया जाएगा, क्योंकि ये रोज रोज नहीं खुलता, तो इसको भी साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगे। ये देखिए यहाँ पे एक इन्वर्टर तक तो हमारी वायर आ रही है बैटरी की, जो कि यहाँ पे बस वायर बॉक्स है। अब जो हमारा दूसरा इन्वर्टर है उसके लिए हम वायर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ग्रीन कलर की जो वायर है ये 25 स्क्वायर mm की वायर है। तो ये यहाँ तक एक वायर कंप्लीट हो रही है, मगर एक ही हो पा रहा है प्लस के लिए, माइनस के लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा, तो वो छोटी पड़ रही है वायर। तो यहाँ पे हम पहले इसको कट कर लेते हैं, माइनस के लिए हम कुछ अलग करेंगे, एक वायर और बनानी है हमको माइनस के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वायर में लग लगा लेते हैं, ये देखिए इसको हमने बना लिया प्लस, इसमें लग लगा दिए, इसको टाइट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास जो 16 स्क्वायर mm की वायर है इस वायर को कर लेंगे डबल, तो 16 दूनी 32 हो गया ना, तो 32 mm का डाल देंगे, आराम से चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम
नहीं होगा, तो हमने वायर को लंबा कर लिया, ये देखिए डबल कर लिया है, और इसको हम कट कर देते हैं, और यहाँ पे हमने 35 का लग लगा के इसको पंच कर दिया है। 35 का लग बड़े ही आराम से इसमें लग जाता है। तो ये देखिए ये हमारा लग लग गया, ये माइनस हमने बना लिया, एक 32 mm माइनस हो गया, 25 mm हमारा प्लस हो गया, और 25 से भी हैवी वायर है जो हमने ग्रीन की लगाई है, क्योंकि उसमें 35 mm का ही लग लगता है, 25 का नहीं लगता उस ग्रीन वायर में। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, कैबिनेट की एक वायर है जो कि फैन चलाता है, उसको भी कनेक्ट करना था, तो ये हमने प्लस की जगह प्लस लगा दिया और माइनस की जगह पे माइनस लगा दिया है। तो एक इन्वर्टर की वायर हमारी कैबिनेट में लग चुकी है। अब हम इन्वर्टर की वायर को इन्वर्टर में बैटरीज की वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए पहले हम प्लस लगा देते हैं, अच्छे से टाइट कर लेते हैं, और ये हमारा है माइनस, तो इस माइनस को भी लगा लेते हैं। तो ये हमारा दोनों प्लस और माइनस लग गया है एक इन्वर्टर का, तो सेट कर देते हैं केबल ट्रे में। ये देखिए केबल ट्रे में हमने इसको सेट कर दिया है, और ये जो हमारा दूसरा इन्वर्टर है इसको हम पहले प्लस लगाते हैं और फिर माइनस लगाते हैं। तो अभी जो है हमारा काम फिनिश होने वाला है, अगर वीडियो को लास्ट तक देखें, अभी वीडियो में बहुत कुछ सीखने का दोस्तों है। तो ये हमारा जो प्लस है, प्लस हम लगा लेते हैं, अच्छे से टाइट कर लेते हैं, ये हम लगा लेते हैं माइनस का, तो हमने माइनस का भी लगा लिया और प्लस का भी लगा लिया, और यहां तक हमारा जो दोस्तों काम है वो कंप्लीट हो गया है। अभी केबल ट्रे में हम सेट कर देते हैं। तो हमारा जो बैटरी की जो कनेक्टिविटी है वो इन्वर्टर के साथ हो चुकी है, बैटरी को चालू करना है और सिस्टम चालू हो जाएगा, मगर चालू किस तरीके से होगा वो भी देखना। अब हम जो हमारी अर्थिंग की वायर है कैबिनेट को दे देते हैं, और कैबिनेट के साथ ऑलरेडी बैटरी के साथ कनेक्ट है, ये देखिए सारी अर्थिंग कनेक्ट है उस वायर के साथ, तो हमने उसको जोड़ दिया, तो इस बैटरी में भी हमने अर्थिंग को दे दिया है। तो अब जो है यहाँ पे हमने वायरिंग कर दी है, बैटरी की ऑलरेडी वायरिंग हो रखी थी इस कैबिनेट के अंदर। हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम में पूरी वायरिंग अभी नहीं हुई है, अभी क्या रह गया अभी आप देखिए। अब बारी आती है पैरलर करने की, क्योंकि हमने 10 kW बनाया है, अगर पैरलर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होता है। ये देखिए ये हमारी है Cat6 वायर, 1.5 मीटर के आसपास है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट लगाना है यहाँ पे दूसरे इन्वर्टर के लास्ट में, कुछ इस तरीके से ये लग गया, और दूसरे इन्वर्टर का पहला और उसके लास्ट में, पहले के ये जब लगता है तो एक आवाज आता है क्लिक का, तो आप समझ लेना कि आपका ये कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ ये हो गया पैरलर, तो अब ये पैरलर हो गया, इसमें कोई भी करंट शेयरिंग का नहीं लगता है, सिर्फ ये Cat6 वायर का ही यूज होता है पैरलर करने के लिए। तो हम इस वायर को भी सेट कर दिए, और सेट करने के बाद अब बारी आती है सिस्टम को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना, इसका डाटा कहीं से भी बैठकर देखना, इसको कहीं से भी ऑपरेट करना, उसके लिए लगता है ये डोंगल। तो ये देख सकते हो लक्स पावर का डोंगल है, तो लक्स पावर का डोंगल है, यहाँ पे इसका सीरियल नंबर होता है और यहाँ पे 3 इंडिकेशन होते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया ये कनेक्ट, लगा दिया हमने, इसको भी लगा देते हैं दोनों को। तो ये हमारा लक्स पावर का जो इन्वर्टर है इसके साथ हम डोंगल को लगा रहे हैं। डोंगल लगने के बाद इसके चार चार स्क्रू होते हैं, उनको भी टाइट कर लेंगे, और अब जो है हमारा सिस्टम चालू किए हालत में है। तो अब हम सिस्टम को करेंगे चालू। तो चालू करने से पहले भगवान का हम नाम लेंगे, और सिस्टम देखिए कुछ इस तरीके से लगा है। तो ये है हमारे फ्यूज हैं, और अब दोस्तों हो गया है रात, तो फ्यूज हम लगा देते हैं, शाम का टाइम हो गया दोस्तों, तो इस समय तो सोलर पैनल जनरेट नहीं करेगा, फ्यूज हमने निकाल के रख लिए थे, ये हमने चारों के चारों फ्यूज लगा दिए। तो अब हम करेंगे सिस्टम को चालू। तो सिस्टम चालू किस तरीके से करेंगे, ये देखिए एक बैटरी को ऑन करना है यहाँ पे, और बैटरी ऑन करने के बाद ये आप देख सकते हो ये भी 48 वोल्ट की है, 100 Ah की बैटरी है। तो ये यहाँ पे आ गया हमारा, दोनों इन्वर्टर में हम चेक कर लेते हैं कि हाँ बैटरी का वोल्टेज आया या नहीं आया। तो यहाँ पे आ रहा है 53.27 के आसपास आ रहा है एक में, और इसमें भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये हमारा
53.2 सेम ही आ रहा है, वायर हैवी डाला है तो सेम ही आ रहा है, वोल्टेज का फर्क नहीं है। तो अब हम सिस्टम को करते हैं चालू। तो एक इन्वर्टर को हमने चालू कर लिया है, पावर पावर का एक चालू कर दिया। ईपीएस को ऑफ करके रखना है, क्योंकि जब ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसकी सेटिंग को कर दिया जाएगा, तब ईपीएस चालू किया जाता है, यानी कि इसका जो आउटपुट चालू होता है वो ईपीएस स्विच ऑन करने पे ही होता है। तो हमने इसको चालू कर दिया है, अभी जो है हमने इसको चालू कर दिया है बैटरी के साथ, और अब हम इसके फ्यूज लगा लेते हैं। दोस्तों शाम का टाइम है, मगर प्रॉपर जो है जनरेट नहीं कर रहा है ये, कि शाम हो चुका है, हम ये फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज लगाने के बाद देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ दिखा तो रहा है, सिंबल दिखा रहा है, मगर वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। तो मॉर्निंग में हमको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से जनरेट कर रहा है। तो हमने सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया है, यहाँ पे देखिए तीनों इंडिकेशन जल रहे हैं। ऐप के थ्रू इस कस्टमर केयर से बात करके इसकी सारी सेटिंग को कर दिया गया है, पैरेलल सिस्टम कर दिया गया है, और यहाँ पे जो बैटरी है बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे 230 आउटपुट में दिखा रहा है, आउटपुट 230 दिखाना शुरू कर दिया है। तो इसकी जितनी भी सेटिंग है दोस्तों वो ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। तो सबसे अच्छा है सिस्टम को ऑनलाइन करके इसका यूजर नेम पासवर्ड बना के इसका जो लक्स पावर का ऐप है, लक्स पावर व्यू का ऐप है, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखिए ये सिस्टम हमारा प्रॉपर तरीके से सेटिंग कर दिया गया। अब हम सिस्टम को लोड डालते हैं घर में। तो अभी हमारा फ्यूज लगा है, बट वो वर्किंग मोड में नहीं है, क्योंकि हम उसको निकाल देंगे। तो केबल ट्रे से हम ढक देते हैं इसको। अब हमारा सिस्टम हो गया है चालू, अभी हमने लोड नहीं डाला है घर के लिए। तो ये केबल ट्रे हमने लगा दिया है। लगाने के बाद दूसरी बैटरी को भी हम ऑन कर देते हैं। दूसरी बैटरी चालू करने के बाद कैबिनेट को लगा देते हैं, ढक्कन बंद कर देते हैं, और अभी जो है अब हम डालेंगे लोड। तो ये देख सकते हो एक इन्वर्टर है, इस पे हमने लोड डाल दिया है, ये दूसरे पे भी डाल दिया, 40-40% का लोड डाल दिया। चेंज ओवर को नीचे किया तो वो सोलर पे चला गया, ये जो लाइट जल रही है सब सोलर पे ही जल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 16 स्क्वायर mm की वायर है, इसी के थ्रू लोड चल रहा है घर में, एसी चल रहा है। अभी 17 एम्पेयर का लोड डाल दिया, 17.95 के आस समथिंग 18 के आसपास लोड अभी चल रहा है रात में। तो हमारा जो लोड है उसको हम चेक कर रहे हैं। अगले दिन हम फिर मॉर्निंग में आए हैं, हमने फ्यूज को निकाल लिया था कि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नाइट में लगाया था, सिर्फ दिख रहा था मगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहा था। तो अब हम फिर से चेक करेंगे सोलर पैनल का वोल्टेज चालू करने से पहले कि इस समय कितना वोल्टेज आ रहा है। ये देखिए 222, यानी कि 222 के आसपास आ रहा है। ये हमारा दूसरे में कितना आ रहा है, दूसरे में भी 222 के आसपास आ रहा है। क्लाइमेटर ऑफ हो गया, इसका सेल वीक लग रहा है मुझे। ये हमारा दूसरा भी 220 के आसपास आ रहा है, ये सॉरी तीसरा 221 आ रहा है, 21.9 ठीक है। ये भी हमारा 219.3 के आसपास आ रहा है। तो वोल्टेज ठीक है, अब मॉर्निंग में हम इसको सोलर पे डाल देंगे। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, हम मॉर्निंग में इसको सोलर पे डाल देते हैं। नाइट में बैकअप के ऊपर ही चला है, क्योंकि बैटरी बैकअप था, बैटरी चार्ज थी। तो ये देखिए हम फ्यूज लगा देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। हाइट थोड़ी सी छोटी पड़ रही है दोस्तों। तो यहाँ पे एक MPPT लग गया है, ये हमारा दूसरा MPPT हो गया, ये भी आ गया, और ये तीसरा MPPT, ये चौथा MPPT। चारों MPPT को हमने पैनल को दे दिया है। एक MPPT में 3200 वाट तक पैनल लगा सकते हैं, तो इतना पैनल हमने इसमें लगा दिया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, सुबह हो रहा है दोस्तों, सुबह धूप अभी निकला नहीं है प्रॉपर। एम्पियर कितना दिखा रहा है ये देखिए, 2.5 एम्पियर के आसपास आ रहा है, 2.62 के आसपास आ रहा है, एक स्ट्रिंग में 5 की। और दूसरे में कितना आ रहा है ये देखिए, दूसरे में जो दोस्तों आ रहा है वो 3.7 के आसपास आ रहा है, 7.4 के आसपास आ रहा है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, धूप उतनी नहीं है। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ आप ध्यान से देखना, ये देखिए एक में कितना आ रहा है हमारा, 2.66 के आसपास आ रहा है, 6.8 समथिंग, 2.5 एम्पियर 3 एम्पियर के आसपास आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आ रहा है
2.31 के आसपास आ रहा है। तो इस समय इतना सोलर पैनल से एम्पियर आ रहा है। तो एमपीपीटी का जो बेनिफिट ये होता है कि कम एम्पियर को ज्यादा एम्पियर बना के भेजता है, यानी कि जो उसका जो वोल्टेज है उसको एम्पियर में कन्वर्ट करके भेजता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, तो जो इसकी चार्जिंग कर रहा है बैटरी की वो कितने से कर रहा है, देखिए ये दो बैटरी है यहाँ पे, अभी ये तीन तीन सेल है, तीन तीन डंडे हैं, अभी एक कम है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब चेक करते हैं एक इन्वर्टर में कितने एम्पीयर से चार्जिंग ले रहा है। देखिए 17 एम्पीयर से चार्जिंग ले रहा है, तो एक इन्वर्टर से 17 एम्पीयर और दोनों से हो गया समथिंग 35 एम्पीयर के आसपास, ये 36 एम्पीयर के आसपास चार्जिंग ले रहा है। ऊपर से आ कितना रहा है दोस्तों, समथिंग 7-7 एम्पीयर के आसपास आ रहा है, एक एक इन्वर्टर में 7-7 एम्पीयर आ रहा है, 7-7 एम्पीयर के आसपास आ रहा है एक इन्वर्टर में, 14 एम्पीयर का वहां पर डबल करके भेज रहा है, डबल से भी ऊपर। तो ये फायदा होता है क्योंकि एमपीपीटी जो है वोल्टेज को एम्पियर में कन्वर्ट करता है, एक इन्वर्टर से 18 एम्पियर आ रहा है। तो आपने देख लिया एमपीपीटी किस तरीके से काम करता है, ये देखिए 35-36 एम्पियर के आसपास दोनों इन्वर्टर से बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। और ये लिथियम बैटरी है, ये फुल्ली 3 से 3.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। तो ये अब हम कैबिनेट को बंद करते हैं, बंद करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कुछ और। ये देखिए कैबिनेट बंद कर दिया, हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से चल रहा है। इस समय जो कितना परसेंट लोड चल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, लोड हम फिर भी चेक कर रहे हैं, अभी 24% लोड चल रहा है और बैटरीज को भी चार्ज किया जा रहा है। ये देखिए इसमें भी 24% बराबर चल रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने पैनल लगाए थे जो फार्म हाउस में, ये देख सकते हो आप, ये बाईफेसियल सोलर पैनल है, इनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। तो यहाँ पे देखिए लूम सोलर के सार्क पैनल लगे हुए हैं, टोटल 10 ये पैनल हैं और 10 दूसरी तरफ लगे हुए हैं, और हाई राइज स्टैंड लगा गया है ये देखिए यहाँ पे। तो टोटल 20 पैनल है और 10 किलोवाट के आसपास पैनल यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये देखिए ऊपर से कुछ इस तरीके के पैनल दिख रहे हैं, ये देखिए पूरा गांव है क्योंकि फार्म हाउस है तो जाहिर सी बात है हरियाली अच्छी खासी होगी। तो ये आप देखिए यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। आज से 1 साल पहले हमने यहाँ पे पैनल को लगाया था, और ये लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है हमारा, और कुछ इस तरीके से हमने इसकी जो वायरिंग है, मैं आपको वायरिंग दिखाता हूँ बैक साइड से, आप देख सकते हो बाईफेसियल लुक वाइज देखने में काफी अच्छा लगता है। अब मैं इसकी आपको वायरिंग दिखाता हूँ, ये देखिए दोनों का स्ट्रिंग गया है और साथ में बॉडी अर्थिंग भी गई है जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेपरेट एक अर्थ करके लगा रखा है। और वो रहा रूम, तो ये रहा रूम, पहले यहाँ पे क्या था, सभी में ब्लॉक इस तरीके से लगा के बनाया गया था। तो ये जो ब्लॉक था इनमें दरारें आ गई थी जिससे वॉल को चेंज किया गया। ये देखिए अब 32 एम्पीयर का लोड डाल दिया गया है यहाँ पे, और इसमें भी देख सकते हैं इसमें कितने एम्पीयर का लोड चल रहा है, इसमें भी 32 एम्पीयर का लोड चल रहा है। तो लोड जो है दोस्तों 1-2% ऊपर नीचे होता है, ज्यादा नहीं, इक्वल चलता है। तो यहाँ पे जो है अभी जो कितना एम्पियर से पूरे घर में लोड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर एसी लगा रखे हैं तो एसी वेसी डाल के चेक किया जा रहा है, तो 14.6 एम्पियर के आसपास अभी लोड चल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन, तो ऑनलाइन सिस्टम में किस तरीके से वर्क करता है। और ये देखिए दो वायरें जो आप देख रहे हो ये इनपुट की वायरें हैं, जब मीटर में डायरेक्ट होगा तो ऑनलाइन, देखिए ऐप में मैं जाता हूँ लक्स पावर व्यू के, इंटरनेट के साथ सिस्टम कनेक्ट है, ये देखिए ऑनलाइन हमको दिखा रहा है। एक इन्वर्टर अभी जो जनरेट कर रहा है दोस्तों वो 1416 वाट जनरेट कर रहा है, ये 836 वाट टोटल जनरेट कर रहा है, और टाइम हो रहा है 11:43 और इस समय बारिश का मौसम है, और 3257 वाट के आसपास घर का लोड चल रहा है, तो बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है, ग्रिड भी है नहीं यहाँ पे। तो टाइम इस समय 11:53 का हो रहा है ये देखिए, तो इस समय 3257 वाट के आसपास लोड चल रहा है, बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है कितने वाट से, ये दोनों को हमने एक एक का देख लीजिए यहाँ पे दिखाता है। और ये जो है अभी ऑफ ग्रिड की तरह पे यूज किया जा रहा है, यहाँ पे नेट मीटर जैसे ही लगेगा तो इसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। और अभी जो दोस्तों मौसम हो रहा है बारिश का, क्योंकि बाहर बारिश भी शुरू हो गई, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है, ये देखिए यहाँ पे बारिश शुरू हो गई, और बारिश में भी जनरेशन हो रहा है, कम हो रहा है, बादल है सारा कुछ।
अभी आप देखिए ऑनलाइन मैंने आपको दिखा दिया, और ये देखिए हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। और हाँ, मैंने इसको चेक किया, इसको कुछ समय के लिए एक्सपोर्ट चालू कर दिया, तो 5 किलोवाट का जो सिस्टम था वो समथिंग, सॉरी 10 किलोवाट का सिस्टम 9 किलोवाट तक पैनल आराम से जनरेट कर रहा था। तो ये सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से हमारा चालू हो गया है। कुछ दिन बाद जब इसमें नेट मीटर लग जाएगा तो इसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी बैटरी चार्ज होने के बाद, घर में लोड चलने के बाद, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो गवर्नमेंट को शेयर कर दिया जाएगा और वो यूनिट के बदले उसका यूनिट मिल जाएगा। तो हाइब्रिड का ये बेनिफिट है। अगर लाइट भी जाती है, ऑन ग्रिड की तरह काम करता है तो लाइट जाती है, तो उस समय क्या होता है कि ये ऑफ ग्रिड की तरह काम करेगा, इसका पैनल का एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, उससे बैटरी चार्ज होगी, लोड चलेगा। तो हाइब्रिड जो है हर तरीके से काफी बेस्ट इन्वर्टर है। हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से लग गया है, ये आप देख सकते हो। अगर आप लोगों को कहीं पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो सामने हम लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। अगर मैं इस साइट पे गया तो इसको हम नेट मीटर के साथ तो ये कनेक्ट हो जाएगा, कितना जनरेशन कर रहा है पर डे का, कितना यूनिट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जहां तक मेरा आइडिया है पर डे का समथिंग 25 यूनिट से प्लस ही करेगा, तो कुछ दिन क्योंकि बाद हम जाएंगे इसको नेट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। वैसे तो ऑनलाइन से हो जाएगा, मगर साइट पे गया तो मैं इसको जरूर देखूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मीटर है, ये मीटर शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा और इसके साथ जो हमारी ये जो वायर है इसको जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे, क्योंकि अब जो लाइट है वो दोस्तों प्रॉपर आना शुरू हो गया है, इसीलिए ये इन्वर्टर को चेंज किया गया है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो बनाने में दोस्तों मेहनत बहुत लगती है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।